गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, मु श्रीमती गीतांजलि सा सरकारी उच्च विद्यालय देउली सदर सुंदरगढ़ सहकारी शिक्षयित्री सप्तम अष्टम श्रेणी समस्त छात्र छात्री को वर्चुअल क्लास सुंदरगढ़ विज्ञान शिक्षादान कार्यक्रम स्वागत जनाउछि। पिला माने तुम्हें अष्टम श्रेणी विज्ञान बहीर अनेक गुड़िए अध्याय पढ़ी सारिलणी। आज आम एक नूतन अध्याय संपर्क रे पढ़ीबा। पिला माने आमे जो घरे रहुछु से घर केउथिरे तयारी तमे माने समस्त जानिछ। साधारणत आम घर गुड़िक इटारे तयारी। पिला माने तुम मन भितरे निश्चित भावरे एक प्रश्न आसथिबो जे आमर ई शरीर केउथिरे गढ़ा। निश्चित भावरे आम मन भितरे ई प्रश्नटी आसे। ताहेले पिला माने आमर ई शरीर प्रत्येक जीवर शरीर एक क्षुद्रतम जीवंत अंश कोषरे तयारी। ताहले पिला माने सेई कोष कौन ताहार गठन एवं कार्य संपर्क रे आज आम पढ़ीबा। पिला माने अष्टम श्रेणी विज्ञान बहीर अष्टम अध्याय कोषर गठन एवं कार्य प्रसंग उपरे आज आम पढ़ीबा। ताहले पिला माने तुम विज्ञान बहीर अनेसत पृष्ठा बाहर कर। आज आम से नुआ विषय टी पढ़ीबा एवं से संपर्क रे जानिबा। ताहले चालो पिला माने एबे आमे स्मार्ट बोर्ड पाख को जीबा। ता माने आमर अष्टम श्रेणी विज्ञान बहीर अष्टम अध्याय कोषर गठन एवं कार्य अध्याय रे बा प्रसंग रे कौन कौन शिखिबा। पिला माने प्रथमे आमे शिखिबा कोषर आविष्कार। कोष किए आविष्कार करिथिले तापरे कोष कौन जीव मानंकर कोष संख्या आकृति और आयतन रे भिन्नता कोषर आकृति कोष आयतन कोषर गठन और कार्य कोषर विभिन्न अंश उद्भिद कोष और प्राणी कोष मध्यरे तुलना एतिके जिनस आज आम अध्याय रे पढ़ीबा। ता माने कोष हेउछि जीव शरीर रो मौलिक और गाठनिक एकक। पिला माने तुमे समस्ते जानिछ आम शरीर रे अनेक गुड़िए अंग प्रत्यंग रही। जेमती आमर हात अछि आखि नाक कान पाटी मस्तिष्क बेक आमर गोड़ पाकस्थली फुस्फुस अनेक गुड़िए अंग प्रत्यंग रही। ताहले सही अंग प्रत्यंग गुड़िक केउथिरे तयारी। पिला माने आम जीवर शरीर क्षुद्रतम जीवंत अंश हेउछि कोष आउ से क्षुद्रतम जीवंत अंश से कोष रे हेउछि आमर शरीर। ताहेले से कोष प्रत्येक अंग आमर क्षुद्र अंश को नेकी गठित जहाँ को आमे टिश्यू बा तंतु बोली कही था। पिला माने ताहेले से टिश्यू कौन टिश्यू हेउछि समरूपी और निर्दिष्ट कार्य करुथिबा केते गुड़िए कोषर समाहार। केते गुड़िए कोष परस्पर गोटे निर्दिष्ट कार्य जदि से माने संपादन करती ताहेले से समस्त कोष को लेकिन आम गोटे टिश्यू बोली कही था। आई आउ से ही टिश्यू मानू नहीं आमर अंग प्रत्यंग गठित होती। केते गुड़िए कोष समरूपी कोष जदि निर्दिष्ट कार्य संपादन करती ताहेले आमे ताकु टिश्यू बोली कही था। आ केते गुड़िए टिश्यू को लेकिन आमर अंग प्रत्यंग गठित हेची। आ सही अंग प्रत्यंग को लेकिन आमर पूर्णांग शरीर गठित हेची। पिला माने देखो आमर घर एई इटा को नहीं करी गठित होई गोटे गोटे इटा करी जोड़ी की आमर घर तैयारी होता है। ठीक से भली क्षुद्रतम कोष जोटा कि खाली आखिरे देखा जाए ना शक्तिशाली अणुवीक्षण जंत्र साहाज्य से क्षुद्र कोष टी देखा जाए से कोष रे उद्भिद एवं से कोष को लेकर आमर प्राणी मानकर शरीर गठित होई। इटारे जमती घर तैयारी होता है ठीक से भली जीवकोष को लेकर आमर उद्भिद एवं प्राणी मानकर शरीर गठित होई। ताहले पिला माने
आमे जानिबा एई कोष को किए आविष्कार करथिले। सर्वप्रथमे जणे ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक 1665 मसीहारे से निजर तयारी करथिबा अणुवीक्षण यंत्र रे गछर एक पतला आवरण गछर कर्क नेकी एक परीक्षा करथिले। निजर अणुवीक्षण रे से पतला कर्क बा गछर कर्क को नेकी देखिथिले एवं से देखिबा को पाइथिले सेटा जहां भी देखा सेटा महुफेणा पिला मने तमे समस्ते महुफेणा देखिछ से ही महुफेणा भलिया सेटा देखा जाउथला। से महुफेणा रे देखो केमती गोटे कोठरी कोठरी सब अच्छी कोठरी कोठरी अच्छी ठीक से भली तांको अणुवीक्षण यंत्र रे से पतला कर्क टी एमती छोट छोट कोठरी भलिया देखा जाउथला। आ से छोट कोठरी रो से ना देथिले कोष। आ से कोष टी गोटिए थारु आ गोटे कोठरी मझे एक कांथ थिला बा गोटे कांथ द्वारा ए कोठरी गुड़िक को परस्पर ठारू विच्छिन्न होकर रही थिला। आउ से कोषटी जीवंत कोष नथिला सेटा मृत कोष थिला। पिला माने तापरे से जो अणुवीक्षण यंत्र बाहर करथिले बा जो अणुवीक्षण यंत्र रे से गछर कर्क को नेकी कोष आविष्कार करथिले सेटा एते उन्नत धरणर नथिला जेते बेले तेणु कोष विषय रे बेसी किछि अनुध्यान आउ सेते बेले करा जाई पार नथिला। तार ठीक 150 वर्ष परे जेते बेले उन्नत धरणर अणुवीक्षण यंत्र उद्भावन हैला सेते बेले पुणी कोष संपर्क रे अनेक गुडीय तथ्य पुणी वैज्ञानिक माने बाहर करथिले। 1831 मसीहा रे रॉबर्ट ब्राउन नामक जने वैज्ञानिक न्यष्टि कोष भितरे जो कोष भितरे बा कोषर केन्द्र रे जो गोलाकार अंगिका अछि ताहा होछि न्यष्टि। आ से न्यष्टि को से आविष्कार करथिले। पिला माने देखो एटा होछि गोटे कोषर चित्र आ से कोषर मझिरे अछि न्यष्टि। आ से न्यष्टि को वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन 1831 मसीहा रे आविष्कार करथिले। ये होछन्ति रॉबर्ट ब्राउन। तापरे 1839 मसीहा रे वैज्ञानिक पुरकिंजी आदि जीवकर आविष्कार करथिले। पिला माने कोष भितरे बा कोष झिल्ली भितरे जेओ रस रहिछि कोष रस आउ न्यष्टि से दुईटा कोष जीवक बा कोष रस आउ न्यष्टि को मिसिकरी कहा जाय आदि जीवक। आउ से आदि जीवकर आविष्कार करथिले पुरकिंजी 1839 मसीहा रे। तापरे 1849 मसीहारे 1849 मसीहारे सिल्डन ओ स्वान कोष सिद्धांतर आविष्कार करथिले। कोष सिद्धांत सेल थ्योरी रो आविष्कार करथिले सिल्डन ओ स्वान। ये होचंती सिल्डन ओ वैज्ञानिक स्वान। ठीक सही परी 1855 मसीहारे भिर्चो कहिथिले वैज्ञानिक भिर्चो कहिथिले कोष हेउची विभाजन क्षम ओ नूतन कोषर सृष्टि सर्वदा एक पूर्व कोषरु संभव हेथाय। पिला माने कोष हेउसे कहिथिले वैज्ञानिक भिर्चो कहिथिले जे कोष विभाजन क्षम सेटा विभाजन हि पारे एवं नूतन कोष सर्वदा पूर्व कोषरु ही संभव हेथाय बा सृष्टि हेथाय। पिला माने तुमे समस्ते अंडा देखी छो आमे गोटे सप्ताह बुधवार एवं शनिवार दिन प्रत्येक विद्यालय रे अंडा दिया जाउछि। पिला माने अंडा तमे समस्ते खाई छो तमे माने देखी छो अंडार बाहर पार्श्वरे गोटे खोलपा थाए आ से खोलपार भितरे गोटे अर्ध तरल फळा पदार्थ थाए ताकु कुहा जाय से अर्ध तरल पदार्थ कु कुहा जाय कोष जीवक। एवं मझिरे जो हलदिया अंश थाए से हलदिया अंश टी हेउची आमर केसर। आमे साधारणत घरे केसर बोलिकी कहि थाउ किंतु एई आमर कोष भाषा रे सेटा हेउची न्यष्टि। केसरटा हेउची न्यष्टि आ से अर्धतरल धळा पदार्थटा हेउची कोष जीवक आ बाहर आवरण खोळपा ता हेउची आमर कोष झिल्ली। एटा हेउची गोटिए ए अंडा गोटिए हेउची कोषर नमूना।
कोष संख्या आधार रे जीव मानंकु दुईटी दल रे विभक्त करा जायछि। पिला माने आमर पृथ्वी रे असंख्य जीव आमे देखिबाकु पाइथौ। केतेक जीव को आमे देखि आमे खाली आखि रे देखि पारु आ केतेक जीव को आमे खाली आखि रे देखि पारु नाही। केउ जीव मानंक शरीर मात्र गोटिए कोष रे गठा केवल गोटे कोष पिला माने आमे जानिछु कोष को आमे देखि पारु नाही। ताहेले गोटिए कोष रे जेउ जीव मानंकर शरीर गढ़ा ताकु आमे देखि परिबा कि ताकु आमे खाली आखिरे देखि परिबा नाही। तो जेउ जीव मानंकर शरीर केवल गोटिए कोष रे गढ़ा से जीव को कहा जाए जीव मानंकु कहा जाए एककोशी जीव बा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जेमिति पारामेशियम युग्लिना एमीबा एगुडाक पारामेशियम युग्लिना एमोइबा बैक्टीरिया एगुड़ाक सब हूँ एककोशी प्राणी बा एककोशी जीव। अणुवीक्षण जंत्र माध्यम रे आमे ए एककोशी जीव गुड़ी को साधारणतः देखि थौ। पिला माने जेउ जीव मानंकर शरीर दुई बा दुई रु अधिक कोष रे गढ़ा दुई बा दुई रु अधिक कोष रे जेउ जीव मानंकर शरीर गठित सेई जीव मानंकु आमे बहुकोशी जीव बोली कि कहि थौ। आउ से गुड़ी को आमे खाली आखिरे देखि पारिबा। ताहेले बहुकोशी जीवर उदाहरण हैला आमर मनीष उद्भिद प्राणी आउ अनेक कीट पतंग सरीसृप कीट पतंग एगुड़ी को आमे देखि पारुछु। ता माने से मानंक शरीर गोटिए कोषरु अधिक कोषरे गढ़ा से माने हेउछंती बहुकोशी जीव बा बहुकोशी प्राणी। एठे आउ केतेक एककोशी प्राणी रो उदाहरण दिए जाइछि। पिला माने देखो चित्र देखो भूताणु बीजाणु एमीबा ए माने मध्य एककोशी प्राणी। जीव मानंक वर्तमान पिला माने देखो आमे पढ़िबा जीव मानंक कोष संख्या आकृति ओ आयतन। पिला माने मनीष शरीर रे आमर मनीष शरीर रे एक लक्ष कोटी रु अधिक जीवकोष रहिछि। आम शरीर भितरे भिन्न भिन्न आकृतिर भिन्न भिन्न आयतनर एक कोटी रु अधिक जीवकोष रहिछि। आउ आमर ई जीव शरीर गोटिए कोषरु ही विभाजन प्रक्रियारे कोष विभाजन प्रक्रियारे हजार हजार संख्यक लक्ष लक्ष संख्यक कोष सृष्टि हेइछि विभाजन कोष विभाजन प्रक्रियारे। आउ से मूल कोषटी हेउछि युग्मज। पिला माने पुं युग्मक आउ स्त्री युग्मकर मिलनरे युग्मज सृष्टि हेइथाय। आउ से युग्मजर विभाजन फळरे कोष विभाजित हेइ असंख्य कोष सृष्टि हेइकि आमर पूर्णांग शरीर बा आमे आमर शरीर सृष्टि हेइछि। ताहले पिला माने मु जेउ कोष संपर्कर कहुछि सेइ कोषर आकृति कण केउ केउ आकृतिर कोष आमे साधारणत देखि थाउ। साधारणत कोष गुडीक गोलाकार किंबा चक्राकार किंबा सुदीर्घ। गोलाकार हेथै पारे चक्राकार हेथै पारे दीर्घ हेथै पारे किंबा शाखा प्रशाखा विशिष्ट मध्य हेथै पारंती। जेमति एठी देखो पिला माने आमर एठी जो अछि वर्तुलाकार लोहित रक्त कणिका। पिला माने आमर रक्त रे श्वेत रक्त कणिका लोहित रक्त कणिका अणुचक्रिका अछि। ए जो चित्रटी अछि सेटा होछि लोहित रक्त कणिका रेड ब्लड कॉर्पस्कल बा आरबीसी रो चित्र। पिला माने देखो एटा वर्तुलाकार बा गोलाकार एटा होछि पेशी कोष आम शरीर भितरे थिबा पेशी कोषर चित्र। पिला माने एटा देखो एटा देखिबा पई कि परी एटा दीर्घ आ तार दुई प्रांत तार उभय प्रांत गोजिया आउ लंबाड़िया बा दीर्घ। आउ एठी देखो पिला माने ए चित्र को देखो ए चित्र होछि आम शरीर भितरे थिबा स्नायु कोषर चित्र। ए कोष स्नायु कोषटी शाखा प्रशाखा विशिष्ट जेमति आमर गछरे डाळ थाए शाखा प्रशाखा थाए एठी मध्य ठीक शाखा प्रशाखा गुड़िक बाहरी। तो ए स्नायु कोष शाखा प्रशाखा विशिष्ट आउ तार कार्य हैला वार्ता ग्रहण करिबा वार्ता ग्रहण करिबा पुणी प्रेरण करिबा। स्नायु कोषर देख पिला माने एठी मु तीन प्रकार रो कोष देखैली एटा वर्तुलाकार एटा होउछि आमर दीर्घ एवं दुई प्रांत गोजिया स्पिंडल सेफ्ट
आउ एटा होची हमरो शाखा प्रशाखा विशिष्ट दीर्घ कोष। तो एभली आम शरीर रे असंख्य माने विभिन्न आकृति रो असंख्य कोष रही थांती। तामने वर्तमान आमे कोष रो आयतन संपर्क रे जानिबा। आयतन पिला माने कोण आम कोष रो केते बड़ तामने आम कोष तार आयतन केते जीव शरीर रे कोष रो आयतन एते छोट जे सेटा खाली आखि को देखा जाए नाही। सेटा गुडे क्षुद्र अणु सदृश जे पिला माने तमे भौतिक विज्ञान बा फिजिक्स रे पढिथबो अणु परमाणु से गुडा को खाली आखि रे देखा जानती नाही। ठीक सेई भली एई कोष क्षुद्र अणु सदृश तार आयतन जदि आमे 1 मीटर को 1 न्यूट भाग करिबा ताहले जो गोटिए भाग मिलिबो सेटा को आमे 1 माइक्रोमीटर बा 1 माइक्रोन बोली कहिथा। तो आमर जीवकोषर आयतन 1 माइक्रोन बा ताठारु मध्य आहुरी क्षुद्र तेणु ताकु आमे साधारणत तो खाली आखिरे देखी पारु नाही। ठीक से बोलिया जोटा बड़ कोष सेटा किछि सेंटीमीटर दैर्घ्य विशिष्ट मध्य हेथेई पारे आउ सेई कोष को आमे अणुवीक्षण सहाय्य रे ताकु वर्धित करिकि देखी थाउ। आउ पिला माने आमर जो क्षुद्रतम कोष बीजाणु कोष तार आयतन होउछि 0.1 रु 0.5 माइक्रोमीटर आ बृहत्तम कोषर आयतन होउछि 170 × 130 मिलीमीटर। सबुठारु बृहत्तम कोष होउछि ओट पक्षीर अंडा सेटा बृहत्तम कोषर उदाहरण। आ क्षुद्रतम कोषर आयतन होउछि 0.1 रु 0.5 माइक्रोमीटर जोटा कि बीजाणु कोष। देखो आमर मांसपेशीय कोष मांसपेशीय कोष आईटा होची स्नायु कोष जोटा कि स्नायविक आवेग परिवहन करिथाए। आ ए मांसपेशी कोष बा मांसपेशीय कोष आम को चल प्रचल हेबारे देख पिला माने हाथ आम एमती करि पारुछु पाद गोड़ को मध्य आम चल प्रचल करि पारिथाउ। तो से सब कहा द्वारा संभव होइथे मांसपेशीय कोष द्वारा चल प्रचल करिबा संभवपर होइथे। पिला माने मु आगरु तुमको कहिछि जहार शरीर जेउ जीवर शरीर गोटिए मात्र कोषरे गठित ताकु आमे एककोषी बोली कहिथाउ। आउ जहार शरीर गोटिए रु बा दुई रु अधिक कोषरे गढ़ा ताकु आमे बहुकोषी कोई था। ताहले पिला माने जहार शरीर गोटिए कोषरे गढ़ा बा एककोषी से कोन समस्त कार्य संपादन करि पारे नाही। ता माने गोटिए कोषरे गढ़ा हिथिले मध्य जीव मानंकर समस्त जीवन प्रक्रिया से गोटिए कोष ही संपादन करि थाए। जेमती आमे खाद्य ग्रहण करूछु खाद्य हजम होसी परिपाक आमर श्वासक्रिया रेचन वृद्धि प्रजनन आमे जेमती करि पारुछु बहुकोषी प्राणी माने ठीक से भली एककोषी जीव मध्य तार से गोटिए कोष मध्य रे ए समस्त जीवन प्रक्रिया करि थाए बा से गोटिए कोष भितरे ए समस्त जीवन प्रक्रिया समाहित हे थाए। पिला माने एटा जदि आमे गोटिए एककोषी जीव कहिबा से गोटिए कोष भितरे ही से सबु कार्य करि पारि थाए। आ एटा बहुकोषी जीव जेमती आमे गोटे मनीष बहुकोषी जीव ए बहुकोषी जीव तार शरीर अनेक गुड़िए कोष रे तयारी से अनेक गुड़िए कोष सेमानक भितरे श्रम विभाजन प्रक्रिया रे सेमाने भिन्न भिन्न कार्य केतेक कोष मिसी टिशु गठन करंती केतेक टिशु नेकी अंग गठन हुए आ से अंग मानंकु नेकी आमर पूर्णांग शरीर गठित हुए एवं से समस्तंकु नेकी आमर समस्त जीवन प्रक्रिया से ही बहुकोषी जीव शरीर रे समाहित हे। पिला माने आमर जीवर मौलिक एकक हेउछि कोष। पिला माने आमे काहे कि जीवन रो मौलिक एकक कोष को कहिबा। पिला माने तुमे समस्ते जानिछो
प्रत्येक कोषर जीवन धारण करिबा क्षमता सहित समस्त जीवन प्रक्रिया सुचारू रूपे समापन करिबार क्षमता कोषर रही भितर अंतर्निहित होकर रही से समस्त जीवन प्रक्रिया गोटे कोष भितर समाहित हो पारे तेणु कोष को जीवन मौलिक एकक कहा जाए। एक कोशी और बहुकोशी जीवकोष जीवन प्रक्रिया गुड़िक मध्य केतेक समानता और पार्थक्य देखा जाए। मुझे कही पाने बहुकोशी जीव मानकर जीवन प्रक्रिया संपादन कार्य विभाजन रही गोटे निर्दिष्ट कार्य दक्षता कोष गुड़िकर आकार और कार्यशैली परिवर्तन देखा जाए। आउ बहुकोशी शरीर रे भिन्न भिन्न कोष भिन्न भिन्न कार्य संपादन करती विभिन्न प्रकार कोष विभिन्न प्रकार कार्य संपादन करमती आमर मांसपेशीय टीस्यू रक्तवाही टीस्यू यही स्नायु टीस्यू यही केतेक कोष मिसिकी टीस्यू गठन करती आउ से टीस्यू गुड़िक भितरे कार्य विभाजन बा डिविजन ऑफ लेबर कार्य गुड़ी को विभाजन करी समस्त कार्य संपादन करती किंतु एक कोशी जीवटीए तार से गोटे कोष भितर समस्त प्रकार कार्य संपादन करिबार क्षमता थाए तेणु कोष को जीवन मौलिक एकक बोली आम कह पाने जो कोष बोलिक कहूँ से कोषटी देखापी किपर आउ ता भितर कौन कौन थाए से संपर्क आम जानवा पाने प्रत्येक कोष पाने गोटे देख कोषर चित्र कोष भितर अनेक गुड़िए जिनस रही विभिन्न अंगिका गुड़िक रही से कोष अंगिका भितर जो जीवंत रस रही घोड़े की रखी गोटे कोष झिल्ली पाने बाहर रही गोटे कोष झिल्ली झिल्ली टी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोष झिल्ली कोष भितर समस्त पदार्थ को घोड़े की रखी आउ से घोड़े रखी से आवरण को साधारणत तो आम कोष झिल्ली बोल कि यहाँ हूँ पाने आमर इटा देखो इटा हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बा कोष झिल्ली आउ ता भितरे इटा जो देखा पाच पाने लाइसोजोम गल्गी बॉडीज पेरोक्सीजोम माइटोकॉन्ड्रियन साइटोस्केलेटन राइबोजोम्स साइटोसोल न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौटा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे राइबोजोम गुड़ाक लगिकी रही दाना दाना सदृश से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जो थे राइबोजोम लगिना से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ये सब कोष अंगिका ए जहा को आम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोष झिल्ली घोड़े की रखी ताल पाने कोष अंगिका गुड़िकर संख्या आकार प्रकार एवं कार्यधारा गोटे ठारू आ गोटे ठारू अलग एक निर्दिष्ट कोष अंगिका ताल पाने भितर मुझे देखली माइटोकॉन्ड्रियन राइबोजम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस ए कोष अंगिका गुड़िकर कार्य भिन्न भिन्न समस्त कार्य अलग अलग ताल पाने कोष अंगिका बा कोषर विभिन्न अंश संपर्क चल एम जानवा पाने देख एटा हूँ गोटे उद्भिद कोष एटा हूँ गोटे उद्भिद कोषर चित्र आईटा हूँ गोटे प्राणी कोषर चित्र उद्भिद कोष पाने देख एटा आयत घनाकार आ प्राणी कोषर आकार हूँ गोलाकार गोल देखापी गोल आ उद्भिद कोषर आकृति बा तार आकार हूँ आयत घनाकार पाने देख य उद्भिद कोषर बाह्य आवरण ये उद्भिद कोषर बाहर आवरण हूँ आमर कौन कोष भित्ति
ଏଇ ବାହାର ଆବରଣଟା ଏଇ ବାହାର ଆବରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ହେଉଛି କୋଷ ଭିତ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଟୁ ଲେୟାର ଉଦ୍ଭିଦର ବାହାରେ ଦୁଇଟି ଲେୟାର ଅଛି ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଆବରଣଟା ହେଉଛି କୋଷ ଭିତ୍ତି ଆଉ ତାର ଭିତର ଲେୟାରଟା ହେଉଛି ଆମର କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ ବାହ୍ୟ ଆବରଣ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଆଉ ଭିତର ଆବରଣ ହେଉଛି କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି ଆବରଣ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଆବରଣ ଅଛି ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ସେଇଟା ହେଉଛି କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ ଏଠି ଆଉ କୋଷ ଭିତ୍ତି ନାହିଁ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ନାହିଁ ତାହାର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ହେଉଛି କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ ପିଲାମାନେ ଏବେ ତୁମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ କାହିଁକି କୋଷ ଭିତ୍ତି ଅଛି ଆଉ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ କାହିଁକି କୋଷ ଭିତ୍ତି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଗଛ ଗୁଡିକ ସେଇଠି ହିଁ ସେମିତି ଥାନ୍ତି କୁଆଡେ ଯାଇ ଆସି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ସହିବା ପାଇଁ ପଡେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ଆର୍ଦ୍ରତା ସବୁକିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସହିବା ପାଇଁ ପଡେ ସେଥିପାଇଁ ତାର ବାହାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେୟାର ଥାଏ ବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆବରଣ ଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି କୋଷ ଭିତ୍ତି ଯିଏକି କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ରହିଛି ଆଉ ତାର ଭିତରେ ଏଇ କୋଷ ଭିତ୍ତି ତଳେ ଅଛି ଆମର କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ ଆଉ ସେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ କାହାକୁ ଆବୃତ କରିକି ରଖିଛି ତା ଭିତରେ ଅଛି ଆମର ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ କୁହାଯାଏ କୋଷରସ ବା କୋଷ ଜୀବକ କୋଷରସ ବା କୋଷ ଜୀବକ କୁହାଯାଏ ଏଇ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ କୋଷରସ ବା କୋଷ ଜୀବକ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ଏଇଟା ପ୍ରାଣୀ କୋଷର କୋଷ ଜୀବକ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରସଧାନୀ ଅଛି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରସଧାନୀ ଅଛି ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ଏଇଟା ରସଧାନୀ ଏଇଟା ହେଉଛି ରସଧାନୀ ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟୁଷ୍ଟି ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ରସଧାନୀକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ଆଉ ନ୍ୟୁଷ୍ଟିକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ଆଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥାଏ ଆମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଲସ୍ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ହରିତ ଲବକ ଥାଏ ହରିତ ଲବକ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ନଥାଏ ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ବଡ଼ ରସଧାନୀ ଅଛି ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ରସଧାନୀ ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ଛୋଟ ରସଧାନୀ ଥାଏ ଆଉ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଠିକ ତାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥାଏ ଆଉ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଭିତରେ ଥାଏ ଆମର ନିନ୍ୟଷ୍ଟି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପଢିବା ପିଲାମାନେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଦର୍ଶେଇଛି ଦେଖ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ବା କୋଷ ଭିତ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ଚିତ୍ର ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ହେଉଛି କୋଷ ଭିତ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କୋଷ ଭିତ୍ତି ବାହାର ଆବରଣଟା ହେଉଛି ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ବା କୋଷ ଭିତ୍ତି ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ପିଲାମାନେ ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ୍ ନାମକ ଏକ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ଏଇଟା ଗଠିତ ଆଉ ଏ କୋଷ ଭିତ୍ତି କଣ କରେ ପିଲାମାନେ କୋଷକୁ ଆକୃତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଦିଏ ଆଉ ଦୃଢ଼ତା ଦିଏ ଦୃଢ଼ତା ଠିକ ତାହେଲେ ଏଇ କୋଷ ଭିତ୍ତି କେଉଁଠି ଥାଏ ପିଲାମାନେ ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଥାଏ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ କବକର କୋଷରେ ମଧ୍ୟ କୋଷ ଭିତ୍ତି ରହିଥାଏ ପିଲାମାନେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ ସମ୍ପର୍କରେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ କୋଷର ଚିତ୍ର ତାହାର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ହେଉଛି ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବା ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ତାକୁ କହୁ କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ ପିଲାମାନେ ସେଇ କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀଟା ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର ବା କଣା ସେଇ ଝିଲ୍ଲୀରେ ଥାଏ ଯାହାକି କୋଷର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନକୁ ସେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥାଏ ଆଉ ସେ ଛିଦ୍ର ବାଟେ ସେ କୋଷ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ମାନେ ବାହାର ଜିନିଷ ସେ ଛିଦ୍ର ବାଟେ ଭିତରକୁ ଆସେ ଆଉ ଭିତରର ଜିନିଷ ପୁଣି ସେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀର ଛିଦ୍ର ବାଟ ଦେଇକି ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ ସେ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭିତରର ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ସେ ବାଛି ବାଛି କେତେଟା ଜିନିଷକୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼େ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଅଦରକାରୀ ତାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ
दिए से कोष झिल्ली को कह जाए अर्ध एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से कोष झिल्ली को कह जाए एक अर्ध पारगम्य झिल्ली बा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन सिलेक्ट करी करी की भीतर को छाड़े जिनस आ भीतर पुणी बाहर को छाड़ी थाए से अर्ध पारगम्य झिल्ली बा सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोली की कुहा जाए। पिला माने कोष भित्ति आउ कोष झिल्ली संपर्क करी आमे जानिले। पिला माने वर्तमान आमे जानिबा ए कोष भितरे कोष झिल्ली भितरे जेउ अर्ध तरल पदार्थ स्वच्छ तरल बा अर्ध तरल पदार्थ रहिछि जहा कि आमर ए कोष झिल्ली आउ ए नियष्टि झिल्ली बा नियष्टि नियष्टि आउ कोष झिल्ली भितरे रहिछि कोष झिल्ली आउ नियष्टि र मध्यवर्ती अंचल रे जेउ स्वच्छ तरल बा अर्ध तरल पदार्थ गतिशील अवस्था रे रहिछि सेही पदार्थ को आमे कहिथाउ कोष जीवक। एथिरे बहुत प्रकार उपादान थाए जैविक उपादान थाए अजैविक उपादान थाए एवं विभिन्न कोष अंगिका सबू थाए। कौन कौन कोष अंगिका थाए आमर माइटोकंड्रियन गल्गी बॉडीज लाइसोजोम राइबोजोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नियष्टि ए भलिया अनेक नियष्टि तो भितरे थाए आ एगुडी को सबू आमर ए साइटोप्लाज्म बा कोष जीवक भितरे रही थाए। ए कोष अंगिका व्यतीत आउ कौन कौन थाए पिला माने एंजाइम थाए पुष्टिसार थाए धातव लवण एवं अमीनो अम्ल बा अमीनो एसिड मध्य कोष जीवक भितरे थाए। पिला माने कोष अंगिका मानंकु देखिबा पई इलेक्ट्रॉन अणुवीक्षण यंत्र व्यवहार करा जाए। खाली आखिरे आमे कोष को जेहेतु देखि पारु ना कोष भितरे थिबा कोष अंगिका को मध्य आमे देखि पारु नाही। पिला माने जानिलो कोष जीवक संपर्क रे वर्तमान आमे देखिबा नियष्टि। पिला माने ए नियष्टि केउठी थाए मु देखै थिली आमर कोषर ठीक केन्द्र रे जीवकोषर केन्द्र रे सेटा थाए गोलाकार गोटे पिंड आउ सेटा होची जीवकोषर मुख्य अंश। जेमती आम शरीर मुख्य अंश होची आमर मस्तिष्क जे कि आमर समस्त कार्य को नियंत्रण करे ठीक से भली आमर कोषर मुख्य अंश हैला नियष्टि आउ एटा कोष मझीरे थाए आउ एटा होची गोलाकार आउ से नियष्टिटी आमर कोष जीवक ठारू कहा द्वारा पृथक हेकि थाए तार बाहरे गोटे थाए नियष्टि झिल्ली। पिला माने कौन थाए नियष्टि झिल्ली एटा होची देखो देखो पिला माने एटा जो बाह्य आवरण ए बाह्य आवरणटा होची आमर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बा नियष्टि झिल्ली। देखो तार मझी मझीरे पोर अछि छिद्र अछि नियष्टि झिल्ली छिद्र युक्त छिद्र अछि से छिद्र कोन पई थाए पिला माने यार बाहर पार्श्वरे एटा जदि आमर एटा जदि आमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैला नियष्टि झिल्ली हैला ए भितरे आमर कोष जीवक बा साइटोप्लाज्म अछि तो ए साइटोप्लाज्म बा कोष जीवक ठारु किछि पदार्थ भितर को आ भितर पदार्थ बाहर को आदान प्रदान करिवारे ए न्यूक्लियर पोर ए जो न्यूक्लियर पोर बा ए जो छिद्र सहाय्य करे। पिला देखिलो एटा होची आमर नियष्टि झिल्ली छिद्र युक्त आउ से न्यूक्लियर पोर बाट देकी कोष जीव करु विभिन्न अंश भितर को जाए भितर अंश बाहर को जाय थाए आउ से नियष्टि रो मझीरे थाए आमर नी नियष्टि आउ से नी नियष्टि नियष्टि रो मध्य भाग रे थाए नी नियष्टि आउ नियष्टि भितरे पिला माने एटा देखुछ सूता भलिया केतेटा जिंस देखुछ सेइटा होची गुण सूत्र। पिला माने सेइटा होची गुण सूत्र से गुण सूत्र जीन बहन करी थाए आ से जीन होची गुणपिंड बा वंश गतिर एकक। तापरे देखिबा आमे रसधानी संपर्क रे कोष भितरे जो रसधानी रहिछि से रसधानी सेटा होची छोट बड़ थली सेटा छोट बड़ थली आकृतिर उद्भिद आ आदि साधारणतः उद्भिद कोषरे सेटा थाए आ आदि प्राणी मानंक कोषरे थाए। रसधानी रे विभिन्न प्रकार रो तरल पदार्थ आ द्रवण भर्ती हेकि रही थाए आ रसधानी रो बाहरे गोटे
आवरण थाए एककोशी आदि प्राणी व्यतीत आउ जेतिकी भी प्राणी अछंती सेमानंक कोशरे साधारणत रसधानी न थाए एककोशी आदि प्राणी थारे दि प्रकार रसधानी देखा जाए गोटे हला संकोच रसधानी बा कंट्राक्टाइल वेक्यूल जे कि जल नियंत्रण रे सहाय्य करे आउ खाद्य रसधानी फूड वेक्यूल पाचन क्रिया रे सहाय्य करे पिला माने उद्भिद कोशरे रसधानी गुड़िक बड़ मुझे बेले उद्भिद कोश प्राणी कोश दीटा जाक देखे उद्भिद कोशे रसधानी बड़ थी प्राणी कोशरी छोट थी प्राणी कोशरी रसधानी साधारणत तो छोट अस्थाई आ उद्भिद कोशे रसधानी बड़ एवं स्थायी पिला माने रसधानी कार्य कौन साधारणत तो रसधानी गुड़िक कोशर स्थिति आउ दृढ़ता नियंत्रण कर तापरे देखो पिला माने लबक लबक कौन लबक उद्भिद कोष रे देखा जाए एटा दुई प्रकार वर्णहीन लबक आउ रंगीन लबक लबक दुई प्रकार कोष भितरे उद्भिद कोष रे लबक थाए सेटा दुई प्रकार वर्णहीन लबक आउ रंगीन लबक वर्णहीन लबक उद्भिद रो मूल आउ कांड रे थाए जेंथरे वर्ण नाही आउ गोटे वर्ण लबक रंगीन लबक कोठी थाए उद्भिद रो फूल फल आ पत्र रे थाए पत्र रे पिला माने सबुज कणिका बा हरित लवक थाए से हरित लवक कौन करे पिला माने आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे गछ पई खाद्य प्रस्तुत करी थाए वर्तमान देखो उद्भिद कोष आ प्राणी कोष भितरे आमे दीटा कोष संपर्क रे पढ़िले वर्तमान तार भितरे आमे कौन पार्थक्य देखिले देखिबा उद्भिद कोष प्राणी कोष ठारु बड़ आउ प्राणी कोष उद्भिद कोष ठारु अपेक्षाकृत सान उद्भिद कोष रे दीटा थाए कोष झिल्ली कोष भित्ति आउ प्राणी कोष रे केवल कोष झिल्ली थाए कोष भित्ति न थाए उद्भिद कोष रे रसधानी गुड़िक बड़ आउ स्थायी प्राणी कोष रे रसधानी छोट एवं अस्थायी केवल आदि प्राणी मानक ठारे एटा देखा जाए बाकी प्राणी रे देखा जाए नाही उद्भिद कोष रे सेंट्रोजोम नामक कोष अंगिका न थाए आउ प्राणी कोष रे सेंट्रोजोम थाए वर्तमान पिला माने आमे ए जो सारणी टी अछि ताकू पूरण करिबा उद्भिद कोष प्राणी कोष एटा तार अंश बा अंगिका मानकर ना दिया जाय छि कोठी थाए न थाए कहिबो कोष झिल्ली उद्भिद कोष रे थाए प्राणी कोष रे भी थाए कोष भित्ति उद्भिद कोष रे थाए प्राणी कोष रे न थाए न्यष्टि उद्भिद कोष रे थाए प्राणी कोष रे थाए पिला माने कहिला देखि न्यष्टि झिल्ली उद्भिद कोष रे थाए कि नहीं न्यष्टि झिल्ली थाए प्राणी कोष रे मध्य थाए कोष जीवक कह पिला माने कोष जीवक बा कोष रस उद्भिद कोष रे थाए प्राणी कोष रे भी थाए लवक कह पिला माने लवक उद्भिद कोष रे थाए कि नहीं लवक उद्भिद कोष कह पिला माने उद्भिद कोष रे थाए प्राणी कोष रे न थाए रसधानी उद्भिद कोष रे थाए बड़ रसधानी प्राणी कोष रे रसधानी न थाए केवल आदि प्राणी थारे थाए ठीक अच्छे पिला माने वर्तमान यही प्रसंग संपर्कित केतेटा प्रश्नावली देछि पिला माने समस्ते देख आउ निज खाता रे लेखिके नियो एक नंबर निम्न रे थिबा बंधनी मध्यरु ठीक उत्तर बाछी शून्य स्थान पूरण कर बंधनी रे अछि आदि प्ररस कोष भित्ति कुटपाद ओट पक्षीर अंडा निन्यष्टि जीन प्राग्नियष्टिय कोष न्यष्टि मध्यरे थिबा गोलाकार अंश को डैश निन्याए वेरी गुड सुना पिला एमीबा शरीर रु बाहर थिबा प्रबर्ध को डैश कहा जाए एमीबा जो एक कोष जानी को पिला माने फुटपाद वेरी गुड फुटपाद
उद्भिद कोषर बाहर आवरण को डेस कहा जाए। वेरी गुड साबास। जीवंत कोष डेस द्वारा गठित आदि आदि प्ररस साबास। प्रकृति रे देखा जाउथिबा बृहत्तम कोष हेउछि डेस। बृहत्तम कोष वेरी गुड। ओट पक्षीर अंडा जेउ कोषरे न्यष्टिर न्यष्टि झिल्ली नाहीं ताहा डेस कोष कहा जाए। ट्राक न्यष्टिय कोष वेरी गुड। वंशगतिर एकक डेस को कहा जाए। के वंशगति परिवहन करे वंशगतिर एकक डेस को कहा जाए। पाने वंश गतिर एकक जोटा न्यस्ति भितर थाए जीन। जीन वेरी गुड। दुई नंबर प्रश्न ठीक थिले ठीक चिन्ह भूल थिले भूल चिन्ह दियो बा भूल लेख। क एक कोशी जीव मानक शरीर गोटे कोष रे गढ़ा। एक कोशी जीवर शरीर गोटे कोष रे गढ़ा। कह पिला माने कि भूल ठीक वेरी गुड। पेशीय कोष गुड़िक शाखा प्रशाखा विशिष्ट पेशीय भूल साबास। भूल भूल वेरी गुड। गोटे जीवर जीवंत मौलिक एकक हेउछि अंग प्रत्यंग। भूल जीवन भूल वेरी गुड। नहीं भूल। एमीबा शरीर विषमाकार। एमीबार शरीर विषमाकार राइट राइट। साबास साबास। सीधा अंडा रे थिबा धोला पदार्थ पीतक टे भूल भूल। सुना पिला बहुत बढ़िया भूल। तीन नंबर प्रश्न देख पिला माने क स्तंभर शब्द सह ख स्तंभर उपयुक्त शब्द को मिलन कर मैचिंग। क स्तंभरे अछि हरित लवक। कौन हम पिला माने हरित लवक एथिरु बाछिकी कह हरित लवक कौन करे खाद्य प्रस्तुत। खाद्य प्रस्तुति खाद्य प्रस्तुत वेरी गुड। न्यस्ति न्यस्ति कौन हम न्यस्ति सुरक्षा नहीं चेष्टा कर कोशर कोष को सुरक्षा प्रदान नहीं न्यस्ति होची कोष कार्य नियंत्रण। कोषर समस्त कार्य को न्यस्ति नियंत्रण करे। कोष झिल्ली कोषर झिल्ली कोष को कोष सुरक्षा प्रदान वेरी गुड। कोष प्राक न्यस्तीय कोष जेउ कोषर न्यस्ति झिल्ली नाही न्यस्तिर न्यस्ति झिल्ली न थाए ताकु प्राक न्यस्तिय कोष कहन्ति। तो केउठि नाही बीजाणु। वेरी गुड। सुनाला सुन्यस्तिय कोष न्यस्तिय कोष कोण हबो पिल्ला माने हाती हाती हाती। साबास वेरी गुड। बहुत सुंदर आंसर दल माने तुम पई गोटे काम रही तुम विद्यालय रे परीक्षागार अच्छी लैबोरेटरी से जाकि कौन कर जो अणुवीक्षण बा माइक्रोस्कोप अच्छी तार कार्य देखिबो आउ स्लाइड पर्यवेक्षण केमती हेउची
देखिबो ठीक अछि पिला माने बहुत सुंदर भाव रे एई वर्चुअल क्लास विज्ञान शिक्षा दान कार्यक्रम रे मते सहयोग कल एक्टिव पार्टिसिपेट कल सक्रिय भाव रे अंश ग्रहण कल सेति पई मो तरफ तुम समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद।